हेलो गाइस, कैसे हो आप सब दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। आरसीबी आईपीएल 2023 के बाद जिनका प्रदर्शन 2023 में काफ़ी हद तक ठीक ठाक रहा था, मगर एक बार फिर से चैंपियन बनने में नाकाम रहे। 2024 के लिए टीम ने तैयारी करना शुरू कर दिया है। अब कौन से खिलाड़ी को रिलीज़ करना है, कौन से खिलाड़ी को रिटेन करना है, इसको सोचना आरसीबी टीम मैनेजमेंट ने स्टार्ट कर दिया है। खिलाड़ियों को रिटेन और रिलीज़ करने की लिस्ट जो है ऑक्शन के ठीक पहले जारी करनी पड़ती है टीमों को। आरसीबी टीम ने भी इसकी प्लानिंग कर ली होगी। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तीन ऐसे कंफर्म खिलाड़ियों के बारे में जिसे आरसीबी टीम हर हाल में रिलीज़ कर सकती है और ऑक्शन के लिए ढेर सारे पैसे जमा कर सकती है। ये तीनों खिलाड़ी जो है थोड़े से महंगे भी हैं और इनका प्रदर्शन 2023 में बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा था, जिसके चलते इन्हें रिलीज़ करके आरसीबी टीम कुछ पैसे ऐड कर सकती है अपने पर्स मनी में। तो भाई, कौन से नाम होंगे वो, हम किन की बात कर रहे हैं, क्यों आरसीबी टीम इन्हें रिलीज़ करने वाली है, इसके बारे में सारी जानकारी आपको आगे इस वीडियो में मिलने वाली है। तो भाई, अगर आप भी आरसीबी के जबरे वाले फ़ैन हो यार, वीडियो को दिल से लाइक कर दो। चैनल पर नए आए हो तो इसे याद से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा कर रख लीजिएगा, ताकि ऐसे ही हर एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आपको आरसीबी टीम से जुड़ी लगातार मिलती रहे। वहीं दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ओनली आरसीबी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है। अगर उसे ज्वाइन नहीं किए हो तो यार, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, फटाफट जाओ, लिंक पर क्लिक करो और ज्वाइन करके रख लो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आईपीएल 2024 में आरसीबी टीम को कौन से खिलाड़ियों को रिलीज़ करना है, ये लगभग सामने आ चुका होगा। दिनेश कार्तिक तो पहले नाम होंगे जिन्हें आरसीबी टीम हर हाल में रिलीज़ करना चाहेगी। कार्तिक ने जो है आरसीबी से 5.5 करोड़ रुपए लेके रखे हैं, लेकिन पिछले सीजन 2023 में उनका प्रदर्शन जो है बेहद ख़राब रहा था। उन्हें फिनिशर का रोल दिया गया था 2022 में शानदार बल्लेबाजी करने के बाद। 2023 में भी फैंस जो है उनसे वही उम्मीद कर रहे थे, लेकिन फैंस की उम्मीदों पर, टीम की उम्मीदों पर कार्तिक खरा नहीं उतर पाए। कहीं ना कहीं उनके साथ थोड़ा सा एज का भी फैक्टर अब बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते आरसीबी टीम उन्हें हर हाल में 2024 से पहले रिलीज कर देगी, जिससे इनके पास पर्स मनी में 5.5 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे कार्तिक को रिलीज करने के बाद। इसके बाद दोस्तों, नाम आता है हर्षल पटेल का। हर्षल पटेल ने 2023 में विकेट्स तो निकाले कई मैचों में, उन्होंने ठीक ठाक गेंदबाजी भी करी, लेकिन दोस्तों जिस तरह से वो महंगे साबित होते हैं, उनका इकोनॉमी रेट काफ़ी ख़राब होता है, जिसके चलते आरसीबी टीम अब हर्षल पटेल को रिलीज़ करेगी। अगर बाई चांस उन्हें टीम में बनाए रखना चाहती है तो रिलीज़ करने के बाद ऑक्शन में उनके पीछे एक बार फिर से जा सकती है, लेकिन शायद दोस्तों पैसों के कारण आरसीबी टीम उन्हें रिलीज़ कर सकती है। 10.75 करोड़ रुपए आरसीबी से लेकर रखे हैं हर्षल पटेल, इसलिए अगर टीम इन्हें रिलीज़ करती है तो कहीं ना कहीं इतने पैसे और आरसीबी टीम के पर्स में ऐड हो जाएंगे। इसके बाद तीसरा नाम आता है वहाँ पर शाहबाज अहमद का, इन्हें भी आरसीबी रिलीज़ कर सकती है। हालांकि शाहबाज का रिलीज़ होना बनता तो नहीं, पिछला सीज़न बेशक ख़राब गया हो, लेकिन शाहबाज के अहमद वो एबिलिटी है, अच्छे ऑलराउंडर हैं, तो देखते हैं आरसीबी टीम क्या करती है। इन्हें भी करीब 2.5 करोड़ रुपये लेकर रखा है आरसीबी से, तो इन्हें भी रिलीज़ करते हैं तो आरसीबी के पास कहीं ना कहीं 16-17 करोड़ रुपये टोटल हो जाएंगे। इनके अलावा और कई प्लेयर्स हैं, जिसमें वेन पार्नेल हैं, सिद्धार्थ कौल हैं, इसके अलावा दोस्तों मनोज बांडगी हैं, सोनू यादव हैं, कई ऐसे युवा प्लेयर्स भी हैं जिन्हें आरसीबी इस साल जो है रिलीज़ करना चाहेगी। अभी के लिए इस वीडियो में इतना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।